तो गाइस आपने इतना ज़बरदस्त वाला रिस्पांस दिया वीडियो के ऊपर, भाई साहब अब हमारे पास में भी और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के प्यार के आगे। भाई मैं तो सही बताऊं मैं तो पिघल गया गाइस आपके प्यार के सामने। तो अब हम लोग फटाफट से तैयारी कर रहे हैं विदेश जाने की, और जैसा हमारा वादा था गाइस उसको करेंगे पूरा और आपको ले जाएंगे दूसरे देशों में फटाफट। और मैं लगा हुआ हूँ टिकट्स वगैरह वीजा वगैरह निकालने में तुरंत से। तो गाइस वर्ल्ड टूर इज ऑन, और गाइस हम लोग आज निकल रहे हैं वर्ल्ड टूर पे, और आप लोगों के लिए है सरप्राइज कि हम कौन सी कंट्री जा रहे हैं गाइस आज की आज। अब भाई आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो हमको तो जाना ही था, क्योंकि अगर आप लोग बोलेंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे। गाइस आप लोगों ने अपनी अपनी चॉइसेस बताई, उसी में से हमने पिक करी हैं। बहुत जल्दी में हमने चीजें करी भाई, इतना जल्दी से पासपोर्ट वीजा फ्लाइट व्लाइट ये वो होटल वोटल इतने लफड़े थे, लेकिन गाइस सबको पार करके फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। बिगुल गाइस बच चुका है अभी तो हमारे पास में, यही बिगुल है। उम्मीद है कि आपको मजा आएगा गाइस, आपको घुमाएंगे दुनिया पूरी दुनिया चारों तरफ से। अब आप लोगों को ये और बताना है नीचे कमेंट्स में कि कौन से देश में जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक कंट्री डिसाइड हुई है, वो भी अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। जब वहां पहुंच जाएंगे तो आप लोग देखना कि वो कौन सी कंट्री है, लेकिन एक हिंट आपको दे देता हूं कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उसको दुनिया का सबसे महंगा कंट्री बताया जाता है, या फिर सबसे महंगा शहर बताया जाता है। अभी हम जिस शहर में जा रहे हैं भाई, अल्टीमेट सबसे महंगे शहरों में से एक, जल्दी से कमेंट से बताओ कि हम कौन से देश में जा रहे हैं और आगे किस देश में जाना है वो भी बता देना। तो भाई बराबर से शुरू करते हैं अपने इस वर्ल्ड टूर की जर्नी का, उम्मीद है कि बहुत सारा मजा आएगा। अब भाई आप लोगों की तरफ से इस वीडियो के ऊपर लाइक करना जरूर से बनता है। शुरू करते हैं, चलते हैं। दोस्तों ये जो बिगुल है ये तो अब हर देश में बजने वाला है, और गाइस हमने सारी पैकिंग वैकिंग सब चीजें डन कर ली हैं भाई, सुबह से लगे पड़े हैं इस चीज के अंदर, एक एक चीज के भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता कि हम कब वापस आने वाले हैं। गाइस एक महीने में वापस आएंगे, दो महीने में आएंगे, पांच महीने में, या फिर छह महीने में, कुछ नहीं पता कब वापस आएंगे, बस हम लोग तो निकल रहे हैं। तो गाइस बिगुल बजाते हैं, निकलते हैं, लेकिन उससे पहले अपने देश की जो मिट्टी है गाइस उसको भी अपने साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि जब इंडिया की याद आएगी तो क्या करेंगे भाई, अपनी मिट्टी को छू तो लेंगे कम से कम। चलो वो लेके आते हैं, बिगुल बजाते हैं। और भाई ये जो है बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट है, अपने देश की मिट्टी को अपने साथ ले जाते हुए। और भाई एक बात और भी है कि आप दुनिया में भले ही कहीं भी रहो लेकिन अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहो, उसको कभी मत छोड़ना भाई। भाई इतना सारा सामान है क्योंकि हमको नहीं पता हम कितने दिन रहने वाले हैं, तो बहुत सारा माल, कपड़े, खाना पीना छोटा मोटा तो जितना रख सकते हैं, पता नहीं खाने को क्या मिलेगा भाई। ओके मिलते हैं बहुत जल्दी, पता नहीं गाइस कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गई, या कुछ लोगों का पासपोर्ट वगैरह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई गई, और इसीलिए हम अभी पांच लोग निकल रहे हैं, ये लोग हमको या तो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। मत रो यार, कोई बात ना, चल ठीक है, बाय बाय। तो गाइस चलो भाई, चलो बेल्ट लगाओ गाइस, वी आर रेडी टू गो ऑन। अब भाई यहाँ पता नहीं कब आएंगे गाइस, अपनी ये जो गलियां हैं, अपने जो खेत खलिहान हैं, अपना ये जो ट्रेलर यहाँ पे खड़ा हुआ है भाई, ये सब बहुत ज्यादा याद आने वाला है, सबको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं भाई। बोल भर्तृहरि बाबा की जय। और गाइस इन रस्तों पर पता नहीं कितनी वीडियोस हमने बनाई हुई है, इस जगह से कितना कनेक्टेड है भाई क्या बताएं। और यार आपको एक बात कहना चाहता हूँ भाई कि हमारे सब्सक्राइबर्स कई बार मिलने आ जाते हैं, तो भाई अब हम नहीं मिल पाएंगे जब तक हम लोग बाहर हैं, इसके लिए सॉरी। तो प्लीज आप लोग भी परेशान नहीं होना, अभी थोड़ा अजीब भी लग रहा है यार कि जिस जगह पर हम लोग बचपन से रहे हैं, जिस देश में रहे हैं भाई, वहां से दूर तो मतलब दिल से तो दूर कभी नहीं हो सकते हैं,
लेकिन जगह से दूर तो भाई जा ही रहे हैं अभी के लिए तो। लेकिन ये बात जरूर है कि यकीनन ये जो एडवेंचर है, ये जो ट्रिप है, इससे हमें और आप सभी को बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप इन कंट्रीज में जाते हैं तो आपको आसानी भी होगी और भाई क्रेजी वाला मजा तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो भाई हम लोग आ चुके हैं निकलने से पहले अपने गांव के मंदिर में और एक बार आशीर्वाद ले लेते हैं फिर यहां से निकलते हैं भाई। तो भाई रास्ते में ले रहे हैं समोसा, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए जिससे, पता नहीं आगे समोसा मिलेगा या क्या मिलेगा। हाँ तो गाइस फाइनली हम लोग टर्मिनल 3 पर पहुंच गए हैं, जस्ट उतरने वाले हैं। और हम लोगों को जिस टाइम पहुंचना था उससे हमें 1 घंटा लेट है, इंटरनेशनल फ्लाइट से 4 घंटे पहले आपको पहुंचना होता है, लेकिन हम लोगों के पास अब 3 घंटे बचे हैं, उसमें हमको सारी चीज़ें करनी है, होपफुली हो जाएंगी। तो गाइस फाइनली जो गाड़ी है वो हम लोग छोड़ चुके हैं, गाड़ी में से सिर्फ सामान निकाल लें, गाड़ी जाएगी अब घर पे और हम लोग जाएंगे विदेश। तो गाइस एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर देखो भाई कितने सारे बैग्स हो गए हमारे पास में, बड़े छोटे अलग अलग तरीके के टांग भी रखे हैं इन लोगों ने, क्योंकि भाई सामान बहुत ज़्यादा हो गया। फटाक से अंदर चलते हैं, लेट नहीं करते हैं ज़्यादा। हम लोग अभी देख रहे हैं भाई कि हमारी फ्लाइट कौन सी है आखिरकार, और यहाँ पे चेक इन करवाएंगे बैग। हमारी फ्लाइट छूटने को हो रही है क्योंकि बाद में बताऊँगा स्टोरी पूरी। भाई बहुत है 15 मिनट से तो देखो करता तो रह भी So guys, finally boarding is complete and we are going to fly. तो guys हम लोग जैसे कैसे भाग दौड़ के फ्लाइट में आ गए भाई, बच गए नहीं तो फ्लाइट छूट जाती भाई। देखना भाई ये बटन दबाऊंगा, ये जल गई लाइट, ये बंद हो गई इस वाले बटन से, और भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं इसके अंदर, ये पता नहीं क्या प्लेन को उड़ाने का है शायद। हम 2 लोग यहाँ बैठे हैं और बाकी 3 लोग जो हैं वो यहाँ वाली सीटों पे यानी कि पीछे बैठे हैं गाइस। तो भाई ये है दिल्ली का नज़ारा रात का गाइस, यहाँ पर है चावल पनीर की सब्जी दाल और इसमें है दही, यहाँ पे इसमें ये क्या है भाई कॉर्न एंड कुछ है स्वीट कॉर्न टाइप, और ये कोई डेजर्ट यानी कि मिठाई है, अमूल का बटर है और यहाँ पर एक बन भी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, लकड़ी का चाकू है भाई यहाँ पे देखो। तो गाइस सुबह हो चुकी है, तो भाई ये हमको पहली ज़मीन दिखी है, ज़मीन दिखते लैंडिंग हो जाएगी क्या भाई। तो भाई पहुँच गए हैं हांगकॉन्ग, तो गाइस अब हम लोगों ने यहाँ पर सिम खरीदी है, ये इस कंपनी की सिम है भाई, छोटी सी सिम है हमने निकाल ली और इसको डाल रहे हैं फ़ोन के अंदर ताकि भाई फ़ोन के अंदर इंटरनेट तो आए और आप लोगों से हम कनेक्ट तो हो पाए। और भाई ये जो सिम है ये मिलती है 98 हांगकॉन्ग डॉलर्स की, और उसके बाद में इंफॉर्मेशन को चेक करो। और यहाँ पर चल रही है टेंशन उबर करने की, तो भाई आ तो गए हैं लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ है और क्या करें। तो भाई देखो टैक्सी का वेट कर रहे हैं, ये बैठे हैं इस पे, 0 मिनट में आ रही है टैक्सी। तो भाई उबर बुक करिए यहाँ पे एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए, होटल वगैरह बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन भाई जो उबर है वो बुक हुई है 4000 रुपये में। अपने इंडिया में तो भाई जो उबर है वो सस्ती बुक हो जाती है, 4000 में तो कोई नहीं होती, एयरपोर्ट से 1200 मैक्सिमम, लेकिन 4000 में जो है होटल छोड़ेगी हमको। फाइनली गाड़ी आ चुकी है, ये वाली अपनी टैक्सी है ये। भाई बैग को देख के भैया जो है वो डर गए हैं पूरा कि इतने बैग आएंगे नहीं इसमें, भाई $100 एक्स्ट्रा देने पड़े हैं हमें। तो भाई दूसरे देश में आपका स्वागत है, और ये देखो गाइस ये है नया देश। अब गाइस गेस करो कि ये कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है,
बताओ जरा कमेंट्स में, यहाँ की बस देखो भाई कितनी ऊंची ऊंची बस आती है, कितनी ऊंची ऊंची बस आती है। हम तो यही देख रहे हैं भाई, आए हैं तब से, देखो उधर भी एक बस जा रही है, एक बस यहाँ से आ गई है। तो गाइज अब आप गेस करो कि ये कौन सा शहर है, और बहुत मजेदार शहर है, ऐसे तो एकदम लग्जरी वीआईपी वाला शहर है। शायद पहले ट्रिप के लिए मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कुछ हो सकता था, और हमने सुपर फास्ट चीजें करी, बाकी लोग जो है पीछे बैठे हुए हैं। हाँ भाई बैठे ही हैं भाई, अब बैठे हैं भाई, देख रहे हैं बहुत बिजी। रात को मैं तो भाई चद्दर ओढ़ के पड़ा हुआ था अपने बिस्तर में। अब जा रहे हैं होटल, होटल जाके करेंगे रेस्ट, रेस्ट करके फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तो गाइस यहाँ पर आ गई एक सुरंग बहुत लंबी, और ये देखो भाई सुरंग के अंदर लाइटें लगी हुई हैं, अभी अलग तरीके की लाइटें थी, और सुरंग के अंदर भी जो लिमिट है ना स्पीड की वो कम नहीं होती, 80 की लिमिट है। हाँ भाई कितनी बड़ी टनल थी, टनल ही टनल थी, और भाई क्या इतना दूरी तक और कंटिन्यू फुल स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, स्पीड भी कम नहीं करनी थी। और अब वापस से हम शहर में आ गए, मतलब अब शहर में तो अब आए हैं भाई, एयरपोर्ट से शहर में। और ये देखो बिल्डिंग्स है यहाँ पे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है भाई। तो भाई पहुंच चुके हैं होटल, और अब जो है गाड़ी में से सामान उतार रहे हैं। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गलियों में, और इस शहर की जो गलियां भाई वो हैं एकदम अलग, अपने से बिल्कुल अलग कल्चर है। और भाई कैसा लगा गाइस आपको, इतना जल्दी हम लोगों ने प्लान बनाया, फटाक से निकले। आप लोग देख सकते हैं जो गलियां हैं इस शहर की वो इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर ये है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, दो तीन है भाई, आसमान छूती बिल्डिंग है। तो भाई अभी तो सिर्फ शुरू हुआ, बहुत सारा मजा आने वाला है। जिसने लाइक नहीं किया गाइस इस वीडियो के ऊपर लाइक करना जरूर से बनता है। अगला कंट्री कौन सा जाना है वो भी जरूर से बता देना, और साथ ही साथ में गाइस ये भी जरूर से बता देना कि इस कंट्री में क्या एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले तो ये बताओ गाइस कि ये देश कौन सा है, आप लोग पहचान पाए देश कौन सा है? आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं हिंट जरूर मिलेगा, हिंट क्या अच्छे से, लेकिन आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए पूरा कि हम कौन से देश में हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा देश है। ये बस है अपने वहाँ जैसी, ये इधर पे एक पार्क है भाई, लेकिन अंधेरा हो गया है तो हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पर जो है कुछ समझ में नहीं आता आधी जगह, लेकिन इंग्लिश लिखी हुई है तो ये अच्छी बात है। और भाई हम लोग घूमते घूमते पता है एक ऐसी जगह आ गए, दिखाऊं आपको क्या है यहाँ पे, ये देखो भाई साहब ये हैं केकड़े, और ये जिंदा हैं, ये चलते हिलते डुलते हैं, ये ऊपर भी हैं, ये अभी हिल डुल रहे थे लेकिन अभी ये रुक गए पता नहीं क्यों। कौन से जानवर हैं ये भाई, झींगे वींगे, ना ना करता ना, डोंट टच। और गाइज यहाँ के जो प्लग है ना वो काफ़ी अलग हैं, तो वो लेने के लिए इस स्टोर के अंदर हम लोग जा रहे हैं ताकि हम हमारे फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकें, देखते हैं मिलेगा कि नहीं। बहुत सारा सामान है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर हैं बहुत सारे एडाप्टर्स वगैरह इस तरीके के, जो कि यहाँ वाली बिजली को बदल देंगे अपने इंडियन वाले में। गाइज यहाँ के फ्रूट्स दिखाऊँ आपको कैसे फ्रूट्स हैं, ये देखो भाई ये है फ्रूट की शॉप, और यहाँ पर कितने सारे फ्रूट कितने तरीके से रखे हुए हैं भाई। देखो वो गाड़ी देखो सामने जहाँ पर वो भाई जा रहा है, भाई कितनी छोटी सी है इन गाड़ियों कंपैरिजन में, देखो छोटी सी गाड़ी है एकदम, बिल्कुल छोटी सी, जैसे रिमोट वाली आती है ना खिलौने वाली गाड़ी वैसी है छोटी सी देखो। तो भाई $132 हो गए हैं, और $132 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये पड़ेगा हमको 1400 रुपए के, इतने से फ्रूट हो गए, कुछ केले कुछ एक अनूला कनूला क्या था। थैंक यू। और गाइस अब फ्रूट ले लिया, अब एक चाकू और लेना पड़ेगा, वो वाले हैं जो वहाँ घूम रहे थे। हाँ भाई ये देखो झींगे, हम तो सबको झींगे ही बोलते हैं, पता नहीं इनको झींगे बोलते हैं और कुछ बोलते हैं। टमाटर का चाकू गाइस यहाँ पर, ये देखो पंजे रखे हैं किसी के कटे हुए, नीचे मुर्गे उर्गे हैं। तो भाई फाइनली पानी का जुगाड़, और 12 बोतल है, 1.5 की यानी 18 लीटर पानी है भाई। गाइस सबसे भारी इंसान को अभी मैप देखता हूँ कि कहाँ क्या है, चलो चलो भाई मैं मैप देखता हूँ बताता हूँ आपको पहले कि इसको कहाँ ले जाना है। और भाई ये उठा के ला रहा है, सर पे रख ले इसको, इसके पैर धूज रहे हैं भाई, इसके पैर कांप रहे हैं। तो भाई जो लाला है उसको उसको अब ये लोग ले रहे हैं, वजन तो है इसमें ठीक है, तो भाई सर पे रख लिया है फाइनली। हाँ तो भाई हम लोग फाइनली मार्केट घूम घाम के वापस से होटल आ गए हैं,
और ये तो देखो पानी की बॉटल्स लेके आए थे बहुत सारी, इसमें पानी की बॉटल है, यहाँ पर अपना खाने पीने का जुगाड़ पड़ा हुआ है। और इधर पे देखो भाई फ्रूट्स वगैरह लाए थे लोग, तो खाने भी लग गए हैं केले वेले। भाई छोटा सा है, इतना मोटा है, लेकिन देखो ये देखो अजीब ही है। अच्छा है, तो मीठा लगा। गाइस अब आपको दिखाएंगे ये चिनूला फ्रूट, ये जो था ये क्या चीज है भाई, इस पे ऐसा छिलका है हमने पहली बार देखा है। ये भाई ये तो पूरा एक जैसा ही है बराबर से अंदर से, अलग ही टेस्ट है भाई, मैं बता ही नहीं सकता कैसा, अलग ही है, इन टेस्टी है। पहली बार ये फ्लेवर खाया मैंने, पहली बार मैंने फ्रूट खाया है। तो भाई अब खाने के लिए आए हैं, यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट करके, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं यहाँ पे वेज। तो भाई हमारी किस्मत ख़राब थी और टाइम हो गया और जस्ट 10 मिनट पहले रेस्टोरेंट क्लोज हो गया, अब पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं। तो गाइस खाना जो है पैक करवा लिया है जो कि इसके अंदर है। तो भाई फाइनली खाना लेके आ चुके हैं, खा तो नहीं पाए थे लेकिन एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया और वहाँ पर वो है खाना भाई, इसमें पानी है, इसमें देखो खाना वगैरह अपने जैसा कि डिलीवरी में आता है इस तरीके से हम ला चुके हैं और अब इसको खाएंगे। तो भाई ये है खाना और अभी तो ऐसे ही खाना पड़ेगा क्योंकि जुगाड़ है नहीं कुछ ज्यादा। और नीचे आप लोग देख सकते हो रोड के ऊपर गाड़ियां भाई भाग दौड़ रही हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले कंट्री में, पहुंच तो क्या चुके हैं भाई, पूरा दिन गुजार चुके हैं। अब कहां पर हैं ये बताना आप लोगों का काम है नीचे कमेंट्स में, अगर आपको पता लग गया तो। बाकी गाइस बहुत सारे कंट्रीज होंगे तो पहला देश है, आगे भी बहुत सारे मजेदार देश आने वाले हैं। खाना पीना हो चुका है और भाई अब जो है करेंगे थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि अब जो है कुछ हिम्मत नहीं बची है। पहला वीडियो था वर्ल्ड टूर का, तो गाइस सब लोग वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना। कैसा लगा आपको दूसरे देश का माहौल, और हम लोगों ने चूज करी है ऐसी ऐसी कंट्री जहां पर यूनिक चीजें, नई नई चीजें मिलती रहेंगी आपको, और वीडियो से भी पहले आपको जो सारी अपडेट्स है वो मिलती रहेगी मेरे इंस्टाग्राम पे जो कि है amit.yt। इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे तो amit.yt पे आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। वहां पर आपको पहले ही पता चल जाया करेगा कि अब हम जो है कौन से देश में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद में यूट्यूब पर तो वीडियोस आएंगी ही लेकिन इंस्टा पहले पता लग जाएगा। तो भाई उसके लिए सब लोग amit.yt फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।